sorry. Okay. So judges, हमारे सारे contestants के लिए किसी ने अपनी best wishes भेजी हैं. आप जानना चाहेंगे कौन है? So this person is very special. So you think you can dance America के season 12 के winner और एक बेहतरीन stage dancer, Gabby Diaz. Or, before you go that side, there is one more person. Please take your stand there. एक और judges आप लोगों के लिए एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने best wishes हम सब के लिए भेजे हैं और वो है American super hit movie Step Up के performer और So You Think You Can Dance season 12 के street captain Stephen Lauren Twitch. आइए देखें. Yes, this is open to media queries. Everybody, any questions, please? Well, right now I'm concentrating on So You Think You Can Dance, because this is the world's biggest show. We are having some very, very good contestants on this show. Jahan movies ki baat hai, acting is my first love, dance is my passion. So acting, of course, I will be doing at some point, but as soon as I find something that I like, to zarur karungi main. Hi Madhuri ji. Yeah. Idhar left, right. Sunta nahi hai light hamare face pe nahi hai. Right mein. Madhuri ji ye janna chahenge ya you know judges ke janna chahungi ki aap log kis tarah ka dance pasand karte ho straight ya stage. Well, mujhme stage hai kyunki main kathak sikhi hu to of course that's a stage thing. Lekin there's a little bit of street in me also. Kyunki जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो इट्स एन एमलगमेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए हैं एक भी मेरे साथ नहीं किया था सो यू थिंक यू कैन डांस जो अभी नो इट्स रनिंग इन अबाउट 35 नेशंस इट्स वन ऑफ द लीडिंग डांसिंग फॉर्मेट्स और अमेरिका में जो अब चल रहा है स्ट्रीट वर्सेस डांस स्ट्रीट स्टेज And that's what we're bringing to India. So what's happening in season 6 there is something which we're getting into India in the first season itself. So that was the thinking again. Honestly, actually, मैं उस question का answer देना चाहूँगी पहले कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन stage dancer कौन है? वो है माधुरी मैम. I think most of the show, I'm just gonna stand there and look at her face. चलिए मैं करवा लूँगी नागिन dance. माधुरी जी आज से काफी साल पहले जब कहीं ना कहीं है आपका फर्स्ट शो था तो मैंने स्क्रिप्ट में आपके साथ काम किया था उस समय से लेकर अब तक आप में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन रियलिटी शोज में काफी बदलाव आए हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए बहुत अच्छा बदलाव आया है जब हमने शो किया था इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और बहुत ही एक नॉवल आइडिया थी जहाँ रियल मैरिजेस अरेंज मैरिजेस हम टीवी पे करा रहे थे तो तब थोड़ा सा रियलिटी के लिए इतना अच्छा रोक नहीं था लोगों का जैसे इतनी प्राइवेट चीज़ है क्यों इसे टीवी पे कर रहे हैं लेकिन आज आप इतने सारे रियलिटी शोज देख रहे हैं लेकिन एक बात है रियलिटी शोज में सबसे अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा टैलेंट लोगों को देखने मिल रहा है इवन इन सो यू थिंक यू कैन डांस छोटे छोटे गाँव में से ऐसे ऐसे डांसर्स इंडिया में हैं इतना टैलेंट है और वो डिस्कवर होने वाला है ये सबसे बड़ी बात है हेलो हाय हाय पल्लवी मेरा आज जो क्वेश्चन है तीनों जजेस से है कि अभी जितने भी मतलब जो आप रियलिटी शोज की बात कर रही हैं अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेशनल डांस फॉर्म तो बहुत सामने आ रहे हैं लेकिन जो भारत के कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि गाँव कस्बे से हुनर तो आ रहा है लेकिन वो भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही लेके आ रहे हैं तो क्या हम उम्मीद करें कि ये डांस शो हमें कुछ रियल स्ट्रीट फ्लेवर दिखा पाएगा? Well, मेरी एक डांस एकेडमी ऑनलाइन डांस विद माधुरी उसमें एक स्टाइल नहीं बहुत सारे स्टाइल सीखे कोई इंटरनेट स्टाइल नहीं है इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स लोग सीख रहे हैं
क्लासिकल से लेके हिप हॉप से लेके स्ट्रीट तक और बेहतरीन जो डांसर्स हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन. और बॉस्को यू वुड लाइक टू से कि कैसे? या मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफी डांस स्टाइल्स कवर किए हैं एंड इंटरनेट ने इतना एक्सपोजर दिया है सो एवरीबॉडी इज अवेयर कि कितने डांस यू नो स्टाइल्स हैं. और आई थिंक वी ऑल्सो हैव क्लासिकल फॉर्म जो आ रहा है एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विद सो मेनी डांस फॉर्म्स कम्पीटिंग. हेलो, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार मैंने बहुत सारे डांस शोज जज किए हैं लेकिन जहाँ सारे शोज खत्म होते हैं वहाँ से हमारा शो शुरू हुआ ऑडिशन राउंड में. दैट वॉज द लेवल दैट वी हैड. सेकेंडली मैं ताजुब हो गया क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार उसने एक ऐसा स्टाइल किया विच वॉज अ मिक्स ऑफ ओडिसी एंड बेली डांसिंग एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट बिकॉज जनरली जब कोई ये स्टाइल करता है तो ओडिसी के दो टुकड़े करता है बेली के दो टुकड़े. उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया और एक अंग से हाथ चल रहे थे ओडिसी के लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज इन यू नो बेली डांसिंग. एंड वो परफॉर्मेंस जब आप देखोगे ऑडिशन में यू विल बी कम्प्लीटली अमेज कि क्या क्या कॉम्बिनेशन फ्यूज हो रहे हैं और क्या क्या नया टैलेंट खुद ब खुद निकल कर आ रहा है. सो आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू इवन जज दिस कॉम्पिटिशन एंड द शो बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ डांसर्स इज जस्ट अमेजिंग. सो आई एम जस्ट वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज की बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो द अवेयरनेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयरनेस क्या क्या स्टाइल्स हैं चॉइसिस क्या है मेरे ये भी देखने को मिल रहा है और वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी में घुस रहे हैं और वहां पर वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हैं. रियलिटी शो डांस रियलिटी शो First of all, thank you, Samina, for coming on this platform. And that's a very good question you asked. Dance India Dance, when I took up that show, the only other show that was there was Boogie Woogie, and the only style that you could see on that show was Bollywood. And then Dance India Dance came with a lot of surge of styles. But in all the seasons we see, it was always raw dancers who were getting opportunities and were progressing. And that journey was amazing to track. Over a period of time, Dance India Dance brought so much of awareness and respect. There are a lot of students and a lot of dancers, a lot of parents are encouraging and pushing children to train. Now what has happened is there is nobody kaccha roti in our show in Suvidhu Weekend Dance. Everybody who is coming today is super well trained, knows how to hold their bodies, their techniques are fabulous. So there is no platform or there is no showcasing where somebody who's of that level can compete with the best of best in that level. So there was a lot of rawness that happened in Dance India Dance. But So You Think You Dance is basically a show where all shows stop in the finale, we start that level on the audition round. So in many ways the quality, the technique, the creativity is so high that a show like So You Think You Dance was the only platform that could bring and house them together. So in my opinion, it's way the show. I also remember when Dance India Dance was given to me. For me, So You Think It was a Bible. Ki this is where I would like my show to go. And I thought one day I should at least choreograph for So You Think You Dance America. It is my great love or whatever you say, Naseeb, that today the show has come to me where I'm judging it, and I think it's a great honor because the quality and the level that So You Think has set is so high. And I'm glad that today India has also trained dancers who can match up to that level. A level of an artist. What I would always say is ABCD, which is a phrase I have coined, anybody can dance, but not everybody can become a dancer. And very few can become an artist. So You Think in Dance will present not dancers or people who want to dance, but will present artists. Hi, Abhishek. Hello, Madhuri ma'am. This is Pooja from Delhi Masala. Madhuri ma'am, mera sawal aapse ye hai ki jab bhi Madhuri Dixit ka naam is reality show se judta hai, to aksar sabse pehle logon ke dimag mein jhalak ka khayal aata hai. Lekin is baar aap ek naye reality show ke saath mein aa rahi hain. Mera sawal aapse ye hai ki kya aap jhalak ke phir se aap join karengi ya ise show झलक के मैं 4 या 5 सीजन कर चुकी हूँ और झलक और इसमें ये डिफरेंस है कि झलक में सब सेलिब्रिटीज थे जिनको हम जज करते थे उनकी एक अलग जर्नी होती थी. बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिन्होंने डांस सीखा नहीं था
और झलक पे पहली बार उन्होंने डांस करके देयर जर्नी वेयर अ नॉट डांसर बिकेम अ डांसर. लेकिन यहाँ पे इट्स द कॉमन मैन और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया कि कॉमन मैन के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके साथ यू नो इंटरेक्ट कर सकती हूँ. और उनकी जर्नी है कि वो हैं डांसर्स, पैशनेट डांसर्स हैं जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ फैमिलीज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन डांस के लिए इतना पैशन है कि वो उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहते. ऐसे लोग हमारे शो पे हैं और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका डांस देखती हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. उनकी स्टोरीज हैं, उनके एक अलग बैकग्राउंड है और आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग एंड और मैंने सोचा कि इट विल बी अ ग्रेट शो. इट्स आल्सो गोना ऐड टू द होल लेवल ऑफ द शो गोइंग अप. वी आर वेरी हैप्पी दैट that's available to us always. That will also make one differentiator for the show. Hi, अपनी एक स्टाइल बनाई थी. सो बहुत सारे क्रिएटिव चीजें हमें देखने मिली और वो आगे भी आपको देखने मिलेंगी. मेरा सवाल आप तीनों जजेस से है, आप तीनों की ब्रांड एकेडमी है और आप खासतौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है. अगर ये डांस शो खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की जरूरत है, तो क्या आप लोग बच्चों की हेल्प करेंगे? एब्सोल्युटली, एक्चुअली श्योरली. फर्स्टली बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो रॉ थे. जनरली फॉर्मेट क्या है कि रॉ बच्चों को भी लेकर वी शो देयर जर्नी, बट सो वी थिंक यू कैन डांस का लेवल इतना हाई है दैट वी कुडंट लेट देम गो टू द ऑडिशन, बिकॉज बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को फिर वो स्लॉट नहीं मिलती. सो व्हेन आई सॉ दैट पोटेंशियल मेनी टाइम्स इन द ऑडिशन.